नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल टीवी। मैं हूं नावेद शेख और आज गुरु पूर्णिमा के शुभ उपलक्ष्य में हमारे ग्लोबल नेटवर्क की टीम पहुंच चुकी है शिरडी साईं मंदिर स्वामी विवेकानंद कॉलोनी छिंदवाड़ा में। तो आइए यहां पर लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उन्हें कैसा लग रहा है गुरु पूर्णिमा में। सर अपना नाम बताइए। विक्रम कुमार टांडेकर। सर गुरु पूर्णिमा के शुभ उपलक्ष्य में अगर आप बधाई देना चाहें हमारे चैनल के माध्यम से तो आप बधाई दे दीजिए। गुरु पूर्णिमा के सभी को हार्दिक बधाई है। ये सबके लिए बहुत खुशी का और बहुत हर्ष का माहौल होता है। ये बहुत खुशी का दिन होगा। चलिए थैंक यू सर। नमस्कार मैम। मैम आप कब से यहाँ पर मंदिर के दर्शन के लिए आ रही हैं? आज श्रावण का पहला दिन है और आज शुभकामनाएं हैं सबको श्रावण की। तो मैम आपकी श्रद्धा कैसे यहाँ पर विकसित हुई, मतलब आपको कैसे साईं बाबा का आशीर्वाद बना हुआ आप पर? साईं बाबा का आशीर्वाद बहुत है और मैं उनकी कृपा से बहुत अच्छी हूँ। नमस्कार मैम। मैम अभी गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम है, आप गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में कब से आ रही हैं यहाँ पर? 10-15 साल हो गए, 15 साल जब से मूर्ति की स्थापना हुई है। आपको कैसा लगता है यहाँ के कार्यक्रम में? लगता है ये हमारा बच्चा तो यहाँ से जाता ही नहीं वापस। अरे वाह, चलिए अच्छा लगा जानकर। मैम आप कब से आ रही हैं यहाँ पर? मैं लगभग 4 सालों से। मैम आपको यहाँ की व्यवस्था कैसी लगती है मंदिर की? व्यवस्था तो लगभग काफ़ी ठीक है। आपको साईं बाबा का आशीर्वाद कैसे बना हुआ है? साईं बाबा का आशीर्वाद हम पर बहुत अच्छा बना हुआ है मतलब। चलिए थैंक यू मैम। मैम गुरु पूर्णिमा के शुभ उपलक्ष्य में हमारे चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहेंगे, आप बधाई दे दीजिए। बधाई हो गुरु पूर्णिमा को। और मैम आप कितने समय निकाल कर यहाँ पर मंदिर दर्शन के लिए आती हैं? कभी भी आ जाते हैं। कभी भी आ जाते हैं, चलिए बहुत अच्छा लगा जानकर। मैम आपका नाम? मंजू ठाकुर। तो मैम आप मतलब रोज़ाना यहाँ पर आती हैं या गुरुवार की गुरुवार आती हैं या फिर क्या? मेरा तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम है। अच्छा फर्स्ट टाइम है, कैसा लग रहा है आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, चलिए। मैम अभी अभी आरती हुई है तो आरती करने के बाद आपको कैसा सुकून लग रहा है दिल में? बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून महसूस हो रहा है। मैम यहाँ पर मंदिर में आकर आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, वातावरण बहुत अच्छा है, यहाँ का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। थैंक यू मैम। नमस्कार मैम आपका नाम? मेरा नाम मंदा भकने। तो मैम आप हर गुरुवार आती हैं यहाँ पर या रोज़ाना आती हैं या गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आती हैं? नहीं, गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में तो आते ही आते हैं, लेकिन हर गुरुवार को भी आते हैं। आपको यहाँ पर आकर अच्छा लगता है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल इंतजार रहता है गुरुवार के दिन का, गुरुवार है कि बिल्कुल जाना ही है। मेरा नाम प्रगति भकने। मैम आपकी आपके साईं बाबा का आशीर्वाद किस तरह से बना हुआ है, आपको क्या कितना फायदा हुआ है? हाँ बहुत फायदा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं कह सकती कि कम फायदा हुआ है, बहुत फायदा हुआ है। तो आप कितना समय निकालकर इस मंदिर में आती हैं? हर गुरुवार आती हूँ। हर गुरुवार लगभग कितना टाइम देती हैं आप मंदिर में? हाँ तब भी 10-15 मिनट, कभी आरती में कभी स्टडी के कारण टाइम नहीं मिल पाता। अच्छा थैंक यू मैम। नमस्कार मैम। मैम आपका नाम बताइए। नम्रता घोरके। तो मैम आप कब से आ रही हैं यहाँ पर मंदिर में दर्शन के लिए? बहुत साल से आ रही हूँ। बहुत सालों से आ रही है, तो आपको यहाँ पर आकर कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, साईं बाबा तो बहुत अच्छा लगता है साईं बाबा से। गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा को भी आई थी, गुरु पूर्णिमा की बधाई देना चाहेंगे आप? सबको मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से गुरु पूर्णिमा की बधाई हो। मैम आपका नाम? गीतांजलि डहरिया। गीतांजलि डहरिया। तो मैम आपको यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है? अभी अभी आरती हुई है तो आरती करके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आपने प्रसाद लिया अभी? जी अभी नहीं, प्रसाद लेने जा रही हैं। अच्छा चलिए ठीक है, थैंक यू। गुड इवनिंग मैम। मैम आपका नाम बताइए। अंकिता विश्वकर्मा। मैम आप कहाँ से यहाँ पर मंदिर दर्शन के लिए आई हैं? छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा, प्रॉपर छिंदवाड़ा से। आप सहपरिवार आई हैं या अकेली हैं? मेरी छोटी सिस्टर के साथ। अच्छा आपका आपका नाम क्या है?
अनन्या मालविया। अच्छा, तो आप डेली आती हैं यहाँ पर या हर थर्सडे आती हैं? ओनली सैटरडे, सॉरी थर्सडेज को आती हैं। आप गुरु पूर्णिमा के फंक्शंस में आती हैं यहाँ पर? नहीं, गुरु पूर्णिमा पे नहीं आई, बस आज थर्सडे था। अच्छा, इस बार गुरु पूर्णिमा पे वैसे भी ग्रहण था, तो आई वॉज नॉट श्योर कि क्या प्रोसेस है, क्या प्रोग्राम्स होने वाले हैं, तो गुरु पूर्णिमा को नहीं। थैंक यू। नमस्कार मैम, मैम अपना नाम बताइए। प्राची शुक्ला। मैम आपका? हम स्नेहा शुक्ला, हम लोग ग्वालियर से हैं। ग्वालियर से हैं आप? ग्वालियर से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आती हैं, तो आप साल में गुरु पूर्णिमा में आती हैं या फिर? अभी आए 4 महीने हुए हैं, बच्चे का जॉब लगा ऑफिस में, कलेक्टर ऑफिस में जो। तो आप इस मंदिर के दर्शन पहली बार कर रही हैं या पहले भी किया है आपने? जब से हम लोग 4 महीने से आए रेगुलर आ रहे हैं, हर थर्सडे। हर थर्सडे को? तो आप अभी प्रसाद खा रही हैं, प्रसाद कैसा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ पर आरती करके आपको कैसा सुकून मिलता है? बहुत अच्छा फील हुआ, धार्मिक अंदर से मन होता है कि हम भी डेली आए, लेकिन डेली नहीं आ पाते हैं, तो गुरुवार के गुरुवार आते ही है। चलिए मैम, जान के बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। नमस्कार सर, आपका नाम बताइए। ईशान अरोरा। सर आपका नाम? कमलेश मालवी। सर आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर इस मंदिर में दर्शन के लिए? 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए, तो आप हर गुरुवार आते हैं या फिर गुरु पूर्णिमा में खासकर? मोस्टली गुरुवार आते हैं, एक आध छूटता है, बाकी मोस्टली गुरुवार आते हैं। आप साथ में ही आते हैं हम लोग सब, तीनों साथ में ही आते हैं। आप, अच्छा आप तीनों दोस्त हैं या भाई हैं? दोस्त लोग। तो आपको यहाँ पर आकर कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है हमको। तो आपका मतलब आप पर साईं बाबा का आशीर्वाद किस तरह से बना हुआ, आपको काफ़ी फायदा? हर जगह ही आशीर्वाद है, जहाँ हमको सपोर्ट की ज़रूरत होती है बस भगवान से मांग लेते हैं, मिल जाता है वैसा। तो सर ये जो प्रोग्राम है हमारा, वो ग्लोबल नेटवर्क हमारा ग्लोबल टीवी है, तो उसमें दिखाई देगा, तो आप देखेंगे? जी बिल्कुल देखेंगे। आपके पास 84 नंबर देखेंगे? ओके ओके, जी बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू बात करने के लिए। नमस्कार सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम लाल सिंह साहू है, रौनक कला से हूँ। अच्छा, आप रौनक कला से यहाँ पे मंदिर दर्शन के लिए आते हैं, तो आप इतने दूर से प्रत्येक गुरुवार दर्शन के लिए आते हैं या फिर रोज़ाना आते हैं? मैं अभी आया, सावन के महीने में आता हूँ। अच्छा, स्पेशली आप सावन के महीने में आते हैं, तो अभी गुरु पूर्णिमा का शुभ उपलक्ष्य है, तो इसके लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से अगर शुभकामनाएँ देना चाहें लोगों को, तो गुरु पूर्णिमा की आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सारे जो लोग हमारे दर्शक हैं उनको अगर आप शुभकामनाएं देना चाहें, बधाइयां देना चाहें गुरु पूर्णिमा की, तो वो भी दे दीजिए। समिति की ओर से गुरु पूर्णिमा की अवसर पे सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा ये कार्यक्रम जो है ग्लोबल टीवी में टेलीकास्ट किया जाएगा, तो आप उसको देखेंगे? देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। चलिए, रौनक में चैनल है। बिल्कुल सर, थैंक यू बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए। सर आपका नाम बताइए। इंद्र कुमार चौक से। तो सर आप कहाँ से आते हैं यहाँ मंदिर दर्शन के लिए? हम लोग छिंदवाड़ा प्रॉपर से हैं, सुंदर देवरे नगर से। आप कब से यहाँ पर मंदिर दर्शन के लिए आ रहे हैं? सर 2 साल हो चुका है। 2 साल आप सह कंटिन्यू? सर 2 साल कंटिन्यू। आप रोजाना आते हैं? नहीं, हर गुरुवार आना। अच्छा, आप सह परिवार आए या अकेले आए? नहीं, बेटे के साथ आए। बेटा आपका नाम? प्रणय चौक से। अच्छा, आंटी नहीं आ पाए तो आती, लेकिन उनका एक्सीडेंट होने से पैर वैर कट गया उनका, भी दिसंबर में एक एक्सीडेंट हो गया था, उस वजह से आ नहीं पा रही। तो आप इसके लिए तो विशेष आशीर्वाद के लिए आए हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। चलिए हमसे बात करने के लिए थैंक यू। साई राम। मैम आपका नाम? कनिष्ठा गौतम। मैम आप यहाँ प्रत्येक गुरुवार को आती हैं? नहीं नहीं, कभी कभी कभी। यहाँ पर आकर आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। चलिए मैम, थैंक यू। मैम आप यहाँ पर हर गुरुवार को आती हैं? हाँ। मैम आपका नाम? दर्शिका। मैम आपको यहाँ पर आकर कैसा लगता है, सुकून? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। मैम अभी अभी आरती हुई, आपको आरती करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। मैम अभी आरती के बाद आपने प्रसाद लिया? हाँ नहीं, अभी नहीं, अभी दर्शन कर रहे हैं। आपका नाम? हर्षिका यादव। अच्छा, मैम आपका नाम? किरण श्रीवास्तव। मैम आप यहाँ पर गुरु पूर्णिमा के हर साल आती हैं कार्यक्रम? हर हमेशा आती हूँ। आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है मैम, में बहुत शांति है। मैम आपका नाम? अंजलि सदाफल। मैम आप कहाँ से आती हैं यहाँ पर दर्शन? यहीं पर चित्रकूट कॉम्प्लेक्स में, मैं हर थर्सडे आती हूँ। आप सह परिवार आती हैं अकेले आती हैं? अकेले, मैं फ्रेंड के साथ आती हूँ। अच्छा, मैम आपका नाम? अंशिका मालोनिया। अच्छा, मैम आप कहाँ से आती हैं आप? मैं चित्रकूट कॉम्प्लेक्स से। आप हर थर्सडे आती हैं या फिर? हर थर्सडे। मैम आपका नाम? पूनम राय। मैम आप यहाँ पर कब से दर्शन करने के लिए आ रही हैं? 7-8 साल से। बाप रे, 17 साल से। तो आपको यहाँ 7-8 साल से,
तो आपको यहाँ पर आकर कैसा लगता है? नहीं, हम तो हर गुरुवार आते हैं, अच्छा लगता है। मैम, आपका आपका नाम? मैम रानी सूर्यवंशी। रानी सूर्यवंशी मैम, आपको यहाँ पर मतलब कैसा श्रद्धा भाव उत्पन्न होता है जब आप यहाँ पर आती हैं? तब मन में शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम दर्शन। मैम आपका नाम? सोनम राय। मैम आप लगभग कितना समय निकाल कर यहाँ पर मंदिर दर्शन के लिए आती हैं? हम लोग मतलब कभी कभी वीक में दो तीन बार हो जाता है, कभी कभी सिर्फ थर्सडे। अच्छा, आपको यहाँ पर आकर अच्छा लगता है। नमस्कार मैम, मैम आपका नाम? प्रिया जांजोट। मैम आप कहाँ से आती हैं यहाँ पर मंदिर दर्शन के लिए? छिंदवाड़ा गुलाबरा से। छिंदवाड़ा गुलाबरा से। मैम आपका नाम? नेहा ठाकरे। आपने आरती करने के बाद अभी प्रसाद लिया? नहीं अभी है। अच्छा, लेने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, और मैम आपका नाम? संध्या बगेन। मैम आपको यहाँ पर आकर कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। आपका नाम? मैम अनु। मैम आप हर थर्सडे यहाँ पर दर्शन के लिए आती हैं या रोज़ आती हैं? नहीं हर थर्सडे। कैसा लगता है आपको यहाँ? अच्छा लगता है। मैम आपका नाम? नीलू चंदेल। तो मैम आप सहपरिवार आई हैं यहाँ पर या? सहपरिवार। आप बच्चों के साथ और हस्बैंड के साथ? जी। अच्छा लगता है आपको यहाँ पर आकर। आप हमारा ये टेलीकास्ट हमारे ग्लोबल नेटवर्क के चैनल पर किया जाएगा, आप उसे देखेंगी? आप भी देख, कहाँ करा जाएगा? कहाँ? ग्लोबल टीवी में हमारे चैनल 84 नंबर पे आता है, आपके पास सिटी सेट टॉप बॉक्स होगा तो उसमें 84 नंबर पे आता है, आप उसे देखेंगे? हाँ देख लेंगे। बिल्कुल देखिएगा। बेटा आपका नाम? हर्षिता परस्वानी। आप किसके साथ आए हो यहाँ पर? मैं चाची और दीदी के साथ आई हूँ। आपकी चाची का? ये। मैम आपका नाम? एनी परस्वानी। अच्छा मैम, आप डेली आती हैं यहाँ पर या हर गुरुवार को? गुरुवार मिस भी हो जाते हैं पर आते ही हैं थर्सडे। आप कितने देर का समय निकाल कर आते हैं? बस माथा टेक के चले जाते हैं। अच्छा। मैम आपका नाम? चैताली नरसवानी। तो मैम आप कहाँ से आते हैं यहाँ पर दर्शन? मैं बालाघाट से आई हूँ। बालाघाट से। तो बालाघाट से आप हर गुरुवार को आती हैं या कुछ स्पेशल ओकेजन? नहीं नहीं किसी स्पेशल ओकेजन। अच्छा अच्छा। मैम आपका नाम? अर्पणा राज। मैम आप कहाँ से आई हैं यहाँ पर? छिंदवाड़ा। आप हमेशा से आती हैं यहाँ पर दर्शन के लिए या अभी? हमेशा। कितने साल हो गए आपको? छः। अच्छा। मैम आपका नाम? पिंकी वर्मा। मैम आप कहाँ से आई हैं यहाँ पर दर्शन के लिए? पूरा बरारीपुरा से। अच्छा चलिए मैम। मैम आपका नाम? अर्चना विश्वकर्मा। अच्छा मैम, आप रोज़ाना आती हैं यहाँ पर दर्शन के लिए या हर थर्सडे? नहीं आज ही आई हूँ। आज ही आए। आपको आरती करके कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ठीक है। मैम आपका नाम? मन्नत साहू। मैम तो आपने अभी प्रसाद लिया आरती के बाद? नहीं अब लेंगे। आपको यहाँ की मंदिर की व्यवस्था कैसी लगती है? बहुत मस्त। मैं तो मैक्सिमम आते रहती हूँ यहाँ पे और बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। मैम आपका नाम? कविता शाहू। मैम आप गुरु पूर्णिमा के जब भी कार्यक्रम होते हैं तो हर कार्यक्रम में आती हैं? जी। आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ आके। हमारा ये जो प्रोग्राम है वो ग्लोबल टीवी में टेलीकास्ट होगा, आप देखेंगे उसे? जी बिल्कुल। चलिए मैम, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। राधिका इल्लारे। मैम आप मंदिर दर्शन कर लिया आपने? हाँ। अब कैसा लगा मंदिर दर्शन करें? मैं 25 सालों से आ रही हूँ। वाह मैम, 25 सालों से इसमें काम करती हूँ। अच्छा अच्छा मैम, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। मैम आपका नाम? अरुणा शर्मा। मैम आप अभी आ रही हैं मंदिर दर्शन के लिए? जी। अच्छा, तो आपको यहाँ पर आकर कैसा लगता है? आइए। अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। चलिए ठीक है। मैम अपना नाम बताइए। नेहा राउत। मैम आप अभी आ रही हैं मंदिर दर्शन के लिए? नहीं हर गुरुवार आते हैं। हर गुरुवार आते हैं। चलिए मैम थैंक यू। मैम अपना नाम बताइए। खुशबू कब्रे में। मैम आप हर गुरुवार आती हैं यहाँ पर या रोजाना दर्शन के लिए आती हैं? नहीं मतलब गुरुवार में आती हूँ लेकिन कभी कभी आती हूँ। चलो थैंक यू हमसे बात करने के लिए। रंजना सामने। मैम आप अभी दर्शन करने के लिए आई हैं? हाँ। आप कहाँ से आती हैं दर्शन के लिए? चौक से कॉलोनी से। अच्छा चलिए मैम थैंक यू बात करने के लिए। नमस्कार मैम, मैम अपना नाम बताइए। मैं दीपिका जायसवाल। मैम आप कहाँ से आती हैं मंदिर दर्शन के लिए? चार फाटक स्टेशन रोड से। अच्छा मैम आप रोजाना आती हैं गुरुवार? गुरुवार नहीं ऐसा रोजाना भी नहीं गुरुवार भी नहीं मगर आती रहती हूँ। अच्छा मैम आपको श्रद्धा यहाँ पर अच्छी? बहुत ज़्यादा श्रद्धा है। मैम हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मैम, मैम अपना नाम बताइए। नीलम कुशवाहा। सर आपका नाम? के साहू। तो आप कहाँ से आते हैं यहाँ पर दर्शन के लिए? हम अभी छिंदवाड़ा से आए तारा कॉलोनी। आप प्रत्येक गुरुवार आते हैं यहाँ पर दर्शन? जी 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 प्रत्येक गुरुवार को आते हैं। आपको यहाँ पर आकर कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है। आपका नाम? काजल कुशवाहा। चलिए मैम हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। गुड इवनिंग मैम, मैम अपना नाम बताइए। जी मेरा अर्चना शर्मा।
मैम आप कहाँ से आई हैं यहाँ पर दर्शन के लिए? जी यहीं देवरे कॉलोनी से। अच्छा मैम आप हर थर्सडे आती हैं यहाँ पर? जी। थैंक यू मैम हमसे बात करने के लिए। सर अपना नाम बताइए। अजय शर्मा। सर आप? अंश शर्मा। आप लोग कहाँ से आए हैं सर यहाँ? यहीं बड़बन से। अच्छा सर आप हर गुरुवार आते हैं यहाँ पर दर्शन के लिए? मोस्टली। चलिए ठीक है सर हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। मैम अपना नाम बताइए। अंजलि सोनी। मैम आपका नाम? पूजा सोनी। मैम आप कहाँ से आए हैं यहाँ पे? यहीं से आए हैं हम लोग। आप अभी दर्शन कर लिए आपने? नहीं अभी जा रहे हैं। थैंक यू मैम। और मैम आप कहाँ से हैं? यहीं से। अच्छा आप यहीं से हैं। अच्छा अच्छा तो मैम आप यहाँ पर हर गुरुवार को आते हैं? हाँ। आप कितने सालों से दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर? 12-13 साल। 12-13 साल। चलिए चलिए मैम आप ये हमारा जो प्रोग्राम है वो ग्लोबल टीवी में टेलीकास्ट किया जाएगा तो आप उसे देखेंगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। नमस्कार सर। सर अपना नाम बताइए। सर आकाश पहाड़े। अच्छा आप कहाँ से आए हैं यहाँ पर दर्शन के लिए? मैं बस यहीं मेरा घर यहीं पे देवरे कॉलोनी पे तो वहीं से हूँ। आप गुरु पूर्णिमा की कोई शुभकामनाएं देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आप गुरु पूर्णिमा की मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि जो भी अपने 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 गुरु हैं उनका मानना एक बहुत अच्छी चीज़ है कि गुरु का दर्शन इस साल में एक बार जो ये आता है गुरु पूर्णिमा उसमें अपने अपने गुरु के दर्शन के लिए सब आते हैं उसमें बहुत बहुत सभी को बधाई देना चाहूँगा और दर्शन दर्शन के लिए बस। चलिए हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ से हम चलते हैं रसोई की ओर जानते हैं वहाँ से कि वहाँ पर श्रद्धालुओं को कैसा लग रहा है। तो अपना नाम बताइए। नंदा मुखलगा। बेटा आपका नाम? कुणाल भगत। बेटा आप कब से आ रहे हो यहाँ पे? हमेशा आते हैं हर गुरुवार। हर गुरुवार। आपको यहाँ पे कैसा प्रसाद कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। आप चैनल हमारे चैनल के माध्यम से कुछ शुभकामनाएं देना चाहोगे गुरु पूर्णिमा की सबको? हाँ सबको गुरु पूर्णिमा के हार्दिक शुभकामनाएं। मैम आप देना चाहेंगे? हाँ गुरु पूर्णिमा पे बहुत साईं बाबा के महान भक्त है इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम हमारा ये जो प्रोग्राम है वो ग्लोबल टीवी में टेलीकास्ट किया जाएगा आप उसे देखेंगे? हाँ। थैंक यू मैम हमसे बात करने के लिए। सर आपका नाम? राजेश भगत। सर आप यहाँ से प्रसाद लेकर आ रहे हैं आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर मंदिर? सर क्या बताएं इसकी महिमा निराली है। अच्छा सर तो जानते ही। सही बात। बाबा का प्रसाद मतलब अमृत है हमारे लिए। तो चलिए सर थैंक यू हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार भैया अपना नाम बताइए। मेरा नाम विजय तिवारी है। सर आप कब से यहाँ पर प्रसाद वितरण कर? मैं 14 वर्षों से यहाँ लगातार बाबा की सेवा में लगा हुआ हूँ और पुलाव का प्रसाद वितरण करते हैं यहाँ पर। सर आपको कैसा यहाँ पे महसूस होता है यहाँ पर काम करते हुए? यहाँ एक बहुत अच्छा लगता है एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है यहाँ पे जैसे अदर मंदिर में जाओ और यहाँ के मंदिर में ऐसा लगता है एक ऐसा एहसास होता है कि बाबा स्वयं यहाँ पे विराजित हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहेंगे जो आप सभी लोगों तक पहुँचाना चाहेंगे? मैं सभी साईं भक्तों और सबको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके मन में जैसे साईं बाबा कहते थे कि श्रद्धा और सबूरी आप श्रद्धा रखें और विश्वास रखें तो आपके मन में जो भी इच्छा है बाबा जरूर पूरी करेंगे। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। नमस्कार मैम। मैम अपना नाम बताइए। मीनाक्षी। मैम आप कब से यहाँ पर मंदिर के लिए सेवा का कार्य कर रही हैं? 4 साल से। 4 साल से। आपको यहाँ पर कार्य करके कैसा लगता है? खुशी मिलती है सुकून मिलता है। तो आप रोजाना आती हैं यहाँ पर? हाँ आ जाते हैं वीक में। तो आप इसके लिए गुरु पूर्णिमा की कोई शुभकामनाएं देना चाहेंगे हमारे ग्लोबल टीवी के माध्यम से? साई मंदिर आइए और श्रद्धा से नो वर्ड। चलिए मैम हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार सर अपना नाम बताइए। संतोष साहू। सर आप कहाँ से आए हैं यहाँ पर दर्शन के लिए? छिंदवाड़ा से आए हैं। आप रोजाना आते हैं या हर गुरुवार को? हर गुरुवार। अच्छा सर चलिए ठीक है। बेटा आपका नाम? मानशु वर्मा। बेटा आप कहाँ से? सुभाष कॉलोनी यहीं से। आपने प्रसाद लिया? हाँ लिया। अच्छा लगा। चलिए ठीक है। सर आपका नाम? विश्राम साहू। सर आप सह परिवार आते हैं या ऐसे? सह परिवार। अच्छा आपका परिवार भी आया है। चलिए सर थैंक यू। सर आपका नाम? और मैम अपना नाम बताइए। आरती भटवार। मैम आप कहाँ से आई हैं यहाँ पर दर्शन के लिए? यही छिंदवाड़ा से। अच्छा मैम आपका नाम? आकांक्षा मंगरोले। अच्छा मैम आपने प्रसाद ले लिया? नहीं अभी तक पूजा की है लाइन में लगे। हेलो बेटा अपना नाम बताओ। किसके साथ आए हो आप यहाँ पर? पापा के साथ आए हो। अच्छा आपको अच्छा लगता है यहाँ पे? अच्छा मैम आपका नाम? टीशा मालवी। मैम आप हर थर्सडे आती हैं यहाँ पर या रोजाना आती हैं? नहीं हर थर्सडे। अच्छा मैम आपका नाम? आराध्या जैन। मैम आप कहाँ से आती हैं यहाँ पर? यही छिंदवाड़ा से। अच्छा छिंदवाड़ा से। मैम आपका नाम? किरण अहरवाल। मैम हमारा ये प्रोग्राम टेलीकास्ट ग्लोबल टीवी में टेलीकास्ट होगा आप उसे देखेंगी? चलिए मैम हमसे बात करने के लिए थैंक यू। नमस्कार मैम। मैम अपना नाम बताइए।
लता चौधरी। मैम आप हर गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में यहाँ पर आती हैं? ना, मैं तो हर गुरुवार आती हूँ। हर गुरुवार भी आती हैं? अच्छा अच्छा। और आपने यहाँ पर यहाँ का कार्यक्रम और यहाँ का मंदिर में कैसा लगता है आकर आपको? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, करती हूँ ना यहाँ। अच्छा अच्छा। मैम नमस्कार, मैम अपना नाम बताइए। दीपा पवार। मैम आप विद फैमिली यहाँ पर आई हैं? हाँ। मैम आप हर गुरुवार को आती हैं या फिर रोज़ाना आती हैं? हर गुरुवार को। अच्छा। मैम अपना नाम बताइए। चंचल विश्वकर्मा। मैम आपको यहाँ पर आकर कैसा लगता है, कैसा सुकून मिलता है? बहुत अच्छा। मैम आपका नाम? संगीता विश्वकर्मा। मैम यहाँ पर आरती करने के बाद आपको कैसा सुकून मिल रहा है? बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। नमस्कार मैम, अपना नाम बताइए। रचना विश्वकर्मा। मैम आपको यहाँ पर आकर कैसा सुकून मिलता है? बहुत ही अच्छा लगता है, भगवान के दर्शन हो जाते हैं आरती करके। आप पे साईं बाबा का आशीर्वाद किस तरह से बना हुआ है? बहुत सारे तरीके से बना हुआ है। हेलो बेटा, अपना नाम बताओ। मलिक साबले। बेटा आप रोज आते हो यहाँ पे या हर गुरुवार को बस आते हो? हर गुरुवार को बस। किसके साथ आते हो? मम्मा के साथ। अच्छा। मैम आपका नाम? मीना साबले। अच्छा। मैम यहाँ पर आकर आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, शांति मिलती है। गुरु पूर्णिमा, अभी गुरु पूर्णिमा के शुभ उपलक्ष्य में अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहें तो आप दे सकते हैं। गुरु ही पहला ब्रह्म है, गुरु की पूजा करना सबसे पहला कर्तव्य है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए मैम हमसे बात करने के लिए थैंक यू। सरिता निमकड़। मैम आपने दर्शन कर लिया है? आइए। बाहर से किया ने। अच्छा अच्छा। आपको कैसा लगता है यहाँ पर दर्शन करके? बहुत अच्छा लगता है। आप प्रत्येक गुरुवार को यहाँ पर आती है? नहीं, मैं प्रत्येक गुरुवार को नहीं आती, आज से मैंने साईं बाबा के उपास चालू किए हैं। अच्छा अच्छा। चमत्कारी है इसका, तो मुझे टाइम मिलता दर्शन के लिए बकायदा। मैं अपना नाम बताइए। रुचि सोनी। मैम आप कहाँ से आती हैं यहाँ पर दर्शन के लिए? सोनाखार से। सोनाखार से आप इतनी दूर से आती है, आपको यहाँ पर आकर कैसा लगता है? एक नंबर, 10-12 किलोमीटर है सोनाखार यहाँ से। आप हर गुरुवार को आती हैं यहाँ पर? जी नहीं, अभी तो गुरु पूर्णिमा के दिन ग्रहण था इसीलिए आज आए हैं। अच्छा अच्छा। बेटा आप गुरु पूर्णिमा की बधाइयाँ, हैप्पी गुरु पूर्णिमा देना चाहोगे हमारे ग्लोबल टीवी के माध्यम से सभी बच्चों को? एक साथ एक बार बोलोगे हैप्पी गुरु पूर्णिमा? हैप्पी गुरु पूर्णिमा। चलिए ठीक है बेटा। सर आप हर गुरुवार में आते हैं? हाँ, मैं यहाँ का सदस्य मेंबर हूँ। अच्छा, आप सदस्य, आप कब से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं? मैं यहाँ जब मंदिर कुछ भी नहीं था, यहाँ तक था, वहाँ तक था, तब से आप कर रहे हैं। आपको अच्छा लगता है यहाँ पे? बिल्कुल। चलिए सर, आपको आप जो मन्नत मांगे वो पूरी होती है। आप हमारे और ऐसी जो यहाँ साईं बाबा की जो मूर्ति है वो कहीं नहीं, शिरडी के बाद सेकंड नंबर छिंदवाड़ा का लगता है। आप हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहें या किसी को शुभकामनाएं देना चाहें ग्लोबल टीवी के माध्यम? मैं हैप्पी गुरु पूर्णिमा बोलूँगा सभी मेंबर्स को। हेलो बेटा, अपना नाम बताओ। वाणी देश पांडे। बेटा आप किसके साथ आए हो? मम्मा के साथ। मम्मा के साथ। आप हर थर्सडे यहाँ पर आते हो? नहीं, कभी कभी स्पेशल ऑक्यूपेशंस पे जाते हैं। अच्छा, कौन सी क्लास में? 8th। मैम आपका नाम? सपना देश पांडे। मैम आप कहाँ से आती हैं? बरारीपुरा। बरारीपुरा से। तो आपको यहाँ पर आकर कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, मंदिर किसको नहीं अच्छा लगे। सही बात है मैम। मैम आपको, मैम आपका नाम? सुधा सिंह। मैम आपको, आपने अभी आरती की यहाँ पर, आपको कैसा लगा, सुकून मिला? अच्छा। आप अभी प्रसाद लिया आपने? अभी नहीं। मैम आपका नाम? श्वेता। मैम गुरु पूर्णिमा के शुभ उपलक्ष्य में आप हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहेंगे? सबको हैप्पी गुरु पूर्णिमा। और मैं यहाँ पर सेकंड टाइम मैंने विजिट किया है, फर्स्ट टाइम जब आई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने सेकंड टाइम यहाँ पर विजिट किया। आपको यहाँ पर आकर अच्छा लगा। चलिए मैम हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। नमस्कार मैम अपना नाम बताइए। सुनीता अरोरा। मैम आप कहाँ से आती हैं यहाँ पर? मैं ELC चौक से। ELC चौक से दर्शन करने के लिए आती हैं। नमस्कार मैम अपना नाम बताइए। तनीषा अरोरा। मैम तनीषा मैम आप साईं बाबा के उपवास रखती हैं? नहीं नहीं रखती हैं। चलिए, और आप कब से यहाँ पर आ रही हैं? एक साल से। एक साल से। नमस्कार मैम अपना नाम बताइए। सियावती चौरिया। मैम आप कहाँ से आई हैं यहाँ पर मंदिर दर्शन के लिए? उबे गाँव से। मैम आप साईं बाबा के उपवास रखती हैं? हाँ। आपको कैसा लगता है यहाँ पर आकर? बहुत सुकून मिलता है यहाँ। मैम अपना नाम बताइए। निर्मल शर्मा। मैम आप कितना समय निकाल कर रोज़ यहाँ मंदिर आती हैं या हर गुरुवार को आती हैं? हर गुरुवार को आती हूँ यहाँ पर आकर। एक घंटा लेके। अच्छा मैम आपको यहाँ पर आकर कैसा लगता है?
बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। अभी आपने आरती की होगी, आपको कैसा सुकून महसूस होता है आरती करने के बाद? बहुत ही अच्छा लगता है। नमस्कार मैम, अपना नाम बताइए। दिशा दुबे। मैम आप कहाँ से आई हैं मंदिर दर्शन के लिए? राजपाल चौक। मैम आप हर गुरुवार को यहाँ पर मंदिर दर्शन के लिए? हर गुरुवार। अच्छा, आप उपवास रखती हैं मंदिर? हाँ जी। मैम आपका नाम? विदुषी बमनाटे। अच्छा मैम, आप कब से यहाँ पर दर्शन के लिए आ रही हैं? मतलब छोटे थे तब से आ रहे हैं, रोज हर गुरुवार को नहीं आते पर आते। नमस्कार मैम, अपना नाम बताइए। लक्ष्मी चौरे। लक्ष्मी चौरे। मैम आप साईं बाबा के उपवास रखती हैं? जी हाँ रखती हैं। मैम आपका नाम? खुशबू। मैम अभी गुरु पूर्णिमा के शुभ उपलक्ष्य में आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को शुभकामनाएं देना चाहेंगी गुरु पूर्णिमा की? सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं, और अपने अपने गुरुओं का आदर करिए। आप गुरुओं का आदर करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। हेलो बेटा, अपना नाम बताओ। मेरा नाम माही गोत्रे है। आप ये आपका गुलाब बहुत अच्छा लग रहा है, कहाँ से लेकर आ रहे हैं आप? ये सामने से। आपने किसके लिए ये गुलाब लेकर आए? साईं बाबा के लिए। साईं बाबा के लिए। आपने क्या विश मांगी साईं बाबा से? अच्छा सीक्रेट की है, चलिए ठीक है। नमस्कार मैम, अपना नाम बताइए। आकांक्षा शंकर। आकांक्षा जी, आप क्या ख्वाहिश लेकर आई हैं दरबार में? ऐसे ही दर्शन करने आई हैं। मैम आपने आप उपवास रखती हैं साईं बाबा? हाँ रखते हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहेंगी गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में? यानी उपवास रखने से श्रद्धा अपने मन में रखना चाहिए, और अच्छा लगता है उपवास रखना। चलिए मैम, हमसे बात करने के लिए थैंक यू। नमस्कार मैम, अपना नाम बताइए। भारती वीके। आप किसके साथ आई हैं? दीदी के साथ। दीदी के साथ आई हैं। तो आप हर गुरुवार को आती हैं? मैम आपका नाम? गायत्री यादव। आपने क्या ख्वाहिश लेकर आई हैं आप यहाँ पर दरबार में? मेरे बहुत सारी ख्वाहिशें हैं कि मेरा जो सपना है मैं पूरा कर सकूं। मैम आपका नाम? मधु कश्यप। मैम आप हमारे चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को गुरु पूर्णिमा के शुभ उपलक्ष्य में? मैं यही कहूँगी साईं मंदिर में जो भी श्रद्धा से आते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं, और आपके चैनल पर जो भी देखने वाले आए, जैसे भी जो भी हो, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, सब कुछ हो। चलिए मैम, हमसे बात करने के लिए थैंक यू। नमस्कार मैम, अपना नाम बताइए। चंद्रकांति ठाकुर। मैम आप कहाँ से आती हैं यहाँ पर मंदिर दर्शन? फ्रेंड्स कॉलोनी खजरी। आप रोजाना? नहीं, गुरुवार, प्रत्येक गुरुवार। प्रत्येक गुरुवार। मैम आपका नाम? नीलम मालविया। मैम आप कहाँ से आती हैं? यही चंदन गाँव से। चंदन गाँव से। आप किस आप विद फैमिली आती हैं या अकेले आती हैं? विद फैमिली आती हैं। अच्छा मैम आपका नाम? अवंतिका श्रीवास। मैम गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आप कोई संदेश देना चाहेंगी हमारे चैनल के माध्यम से? हाँ जी, गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पे पहले तो सभी को बधाइयाँ। और गुरु पूर्णिमा सबसे पहले तो ये है कि हमारे सबसे बड़े गुरु हमारे माता पिता होते हैं, उनके बाद में हमारे गुरु, फिर सभी देवी देवता, हम जिनको अपना गुरु माने फिर वो अपना गुरु है। चलिए मैम, हमसे बात करने के लिए थैंक यू। बेटा आपका नाम? गार्गी शर्मा। किसके साथ आए हो आप? मैं पापा मौसी लोग सब। अच्छा, आपका रोज बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, आप कहाँ से लेकर आए रोज? यहाँ सामने। अच्छा आप किसके साथ? अच्छा मैम आपका नाम? शालिनी शर्मा। मैम आप हर थर्सडे आती हैं यहाँ पर? हाँ बहुत कम, कभी कभी। मैम आपका नाम? यमुना शर्मा। मैम आप साईं बाबा के व्रत या उपवास वगैरह रखती हैं? नहीं नहीं रखते, आज पहली बार आए हम यहाँ। अच्छा आप पहली बार आए हैं, आप कहाँ कहाँ से आते हैं? हम कपूरदा में रहते हैं। अच्छा, यहाँ हमारी सिस्टर के यहाँ आए हैं। हाँ चलिए मैम, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार मैम, मैम अपना नाम बताइए। मैं प्रगति बात कर रही हूँ, प्रगति राय। मैम आप कहाँ से आई हैं यहाँ मंदिर दर्शन के लिए? मैं यहीं छिंदवाड़ा से ही हूँ, गुरैया नाके से। मैम कब से आ रही हैं यहाँ पर मंदिर दर्शन के लिए? मैं यहाँ पे भगवान की कृपा से 10 साल हो चुके हैं मुझे यहाँ आते हुए। अच्छा, आज आप क्या ख्वाहिश लेकर आई हैं दरबार में? ऐसे ख्वाहिश तो बहुत सारी रहती हैं, लेकिन मेन चीज़ यही रहती है कि भगवान के दर्शन हो जाएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। आप हमारे चैनल के माध्यम से शुभकामनाएँ देना चाहेंगी सभी को गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में? हाँ जी बिल्कुल, मैं बोलना चाहूँगी कि गुरु एक ऐसी मतलब उनकी अभिव्यक्ति होती है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है, तो हमें उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए गुरु जी को, और सभी को हैप्पी गुरु पूर्णिमा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू मैम। नमस्कार मैम, मैम अपना नाम बताइए।
दीक्षा गंगारे। तो आप कहाँ से आए हैं यहाँ पर? सौसर से बिलोंगिंग हूँ मैं। सौसर से बिलोंगिंग है, तो आप पहली बार आ रहे हैं मंदिर में यहाँ पर? हाँ जी, नहीं काफ़ी बार आई हूँ, फिर भी मतलब अभी 1 मंथ से आ रही हूँ कंटिन्यू। मैं आपका नाम? गुंजन कनौजिया। आप किसके साथ आए हैं यहाँ पर? फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स के साथ। बेटा आपका नाम? हर्षिता कनौजिया। आप गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कुछ क्या बोलते हैं, आपका फेवरेट टीचर कौन है? फेवरेट टीचर कंटक मैम। कंटक मैम। आपका? आयुषी सोनी। आपका नाम? आयुषी सोनी। आपका फेवरेट टीचर? त्रिवेदी मैम। अच्छा, आप कौन सी क्लास में आप अभी? मैं 10th में। 10th में। आप कौन से स्कूल से हैं? विद्याभूमि। विद्याभूमि। मैम आपका नाम? रीता भट्टाचार्य। मैम गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप हमारे चैनल के माध्यम से बधाइयाँ देना चाहेंगी? हाँ, हार्दिक बधाई है गुरु पूर्णिमा का समय पर। नमस्कार मैम, अपना नाम बताइए। संगीता खानवे। मैम आप कहाँ से आई हैं? प्रदर्शनी कॉलोनी। आपका दर्शन करके हो गया? जी। यहाँ पर कैसा सुकून मिलता आपको? बहुत एक आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है बाबा जी के चरणों में, जब हम आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत शांति मिलती है, ऐसा लगता है हम जो लेने आए हैं, जो चाहते हैं वो सभी हमें प्राप्त हो जाता है। मैं आप किसके साथ आई हैं यहाँ पर? मेरी बेटी के साथ आई हूँ। अच्छा, वो कहाँ पर है? वो है। अच्छा, तो आप हमारा ये जो प्रोग्राम है ग्लोबल टीवी में टेलीकास्ट किया जाएगा, आप देखेंगे? डेफिनेटली। चलिए मैम, हमसे बात करने के लिए थैंक यू। हेलो बेटा, अपना नाम बताओ। विधि बैस। आप कहाँ से आए हैं यहाँ पर? छिंदवाड़ा से, छोटी बाजार से। किसके साथ आए? मम्मी पापा के। अच्छा, आप किसके साथ? आपका फेवरेट टीचर कौन है? फेवरेट टीचर पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। अच्छा अच्छा, आप कहाँ पर पढ़ती हैं? MLB में। अभी इस साल ही 12th पास हुआ है, अब गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लिया। अच्छा, चलिए ठीक है, हमसे बात करने के लिए थैंक यू। मैम अपना नाम बताइए। कविता राजोलिया। मैम आपका नाम? सुनीता श्रीवास्तव। बेटा आपका नाम? धनिष्का त्रिपाठ। अच्छा बेटा, आप मम्मी के साथ आए हो? कौन से? पापा के साथ। पापा के साथ भी? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? DPH। DPH में। कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है आपका? मेरा। अच्छा अच्छा, मैम आप कब से आ रही हैं यहाँ पर दर्शन के लिए? बहुत साल से आ रहे हैं बेटा यहाँ पे हम। बहुत सालों से आ रहे हैं। मैम आप हर गुरुवार को आती हैं या रोजाना आती हैं? केवल यहाँ आने के लिए मैंने यहाँ घर लिया है। अच्छा, इतना करूँ और हर गुरुवार आती हूँ। इतनी श्रद्धा है आपको। किस तरह से साईं बाबा का आशीर्वाद आप पर बना हुआ है जिससे आपकी इतनी ज्यादा श्रद्धा उन पर? मैं ज्यादा कुछ मांगती नहीं हूँ उनसे, बस मेरी फैमिली खुश रहे, बस इतना। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप हमारे चैनल के माध्यम से कोई शुभकामनाएं या कोई संदेश देना चाहेंगी? बिल्कुल देना चाहेंगे, और ये कहेंगे सभी से कि श्रद्धा में कभी भी मांग को शामिल ना करें, हमेशा श्रद्धा बनाए रखें, बाबा जरूर पूरी करते हैं, आप कभी ज़्यादा मांगे ना उनसे। नमस्कार मैम, मैं अपना नाम? मोना नारंग। आपका नाम? खुशी नारंग। मैम आप कहाँ से आए हैं यहाँ पर? यहीं से, छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा से। आप रोज़ाना यहाँ दर्शन के लिए आती हैं खाली गुरुवार? अच्छा मैम, तो आप अभी अभी यहाँ पर? नहीं, मैं 6 साल हो गए यहाँ, अभी 10 साल। मंदिर दर्शन के लिए? हाँ अभी अभी आई हूँ। नमस्कार सर, अपना नाम बताइए। जितेन नारंग। आप कहाँ से आए हैं मंदिर दर्शन के लिए? छिंदवाड़ा से, यहीं से। छिंदवाड़ा से। आप क्या ख्वाहिश लेकर आए थे दिल में दरबार में? बस श्रद्धा है, उस वजह से आए हैं। अच्छा, आपको कैसा लगता है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा। अपना नाम बताइए। मनीष बत्रा। सर गुरु पूर्णिमा के शुभ उपलक्ष्य में आप हमारे ग्लोबल टीवी चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को शुभकामनाएं देना चाहेंगे तो आप दे सकते हैं? आप सभी शहरवासियों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई है। आप हर गुरुवार को यहाँ आते हैं या रोज़ाना आते हैं? गुरुवार तो हर गुरुवार आता हूँ, बीच में अगर कोई ऐसा धार्मिक प्रोग्राम रहता है तो उसमें ज़रूर आता हूँ। नमस्कार सर, अपना नाम बताइए। राजेश ब्रह्म भट्ट। सर आप कब से यहाँ पर मंदिर में आ रहे हैं? मैं विगत कई वर्षों से आ रहा हूँ और हर गुरुवार आता हूँ लगभग। अच्छा, हर गुरुवार को आते हैं आप। आपको यहाँ पर आकर कैसा महसूस होता है? अब ये तो साईं बाबा का दरबार है, यहाँ आके अपने आप में एक जो सहन बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और निरंतर यहाँ दर्शन करने हम प्रति हर वर्ष मतलब प्रतिदिन हर गुरुवार आते हैं यहाँ पे। अब गुरु पूर्णिमा के शुभ उपलक्ष में हमारे चैनल ग्लोबल टीवी के माध्यम से कोई संदेश देना चाहें हमारे दर्शकों को या गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं देना चाहें तो दे दीजिए। ग्लोबल नेटवर्क के ग्लोबल नेटवर्क परिवार के द्वारा मैं आप सभी को मतलब गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं देता हूं और सभी को बहुत बहुत
बधाई। सर आप कितने वर्षों से यहाँ पर मंदिर के सेवा कार्य में विलीन हैं? यहाँ पर जब से स्थापना हुई, जब से हम इस मंदिर से जुड़े हुए हैं और आज तक जुड़े हुए हैं। सर आपके क्या क्या कार्य रहते हैं यहाँ पर मंदिर को आगे बढ़ाने? सभी सदस्यों के ऐसा कोई फिक्स नहीं है, सभी अपने अपने जो जैसा काम सौंपते हैं सभी अपने अपने हिसाब से करते हैं। नहीं बताता हूँ, ये सच्चिदानंद सेवा समिति है जिसको मतलब ये शिरडी साई मंदिर संचालित करता है, और ये आज से नहीं मतलब कई सालों से, मतलब 25 साल हो गए करीब करीब, ये साई मंदिर मतलब अच्छे प्रकार से यहाँ चल रहा है। विवेकानंद कॉलेज का ये सबसे पुराना साई मंदिर है, और इसमें मतलब सभी रजिस्टर्ड है, जबलपुर से रजिस्ट्रेशन हुआ है, और ये साई मंदिर का अपने आप में एक अनोखा मतलब ये, और ये साई मंदिर विवेकानंद कॉलोनी में जो है बिल्कुल हुबहुब शिरडी का साई मंदिर जैसा है, इसलिए इसका महत्व ज़्यादा है। सर हमारे चैनल के माध्यम से आप बधाई देना चाहेंगे गुरु पूर्णिमा के शुभ उपलक्ष्य में? गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर बाबा मतलब सबके गुरु है, और गुरु पूर्णिमा के दिन मतलब विशेष बाबा की आराधना की जाती है, और गुरु पूर्णिमा एक विशेष मतलब बाबा का सत्र रहता है, और उस दिन मतलब हजारों भक्त बाबा के दर्शन के लिए आते हैं, उनकी मनोकामना बाबा पूरी करते हैं, और बाबा सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हैं। बाबा सबके गुरु हैं, और बाबा का आशीर्वाद सबको सुख समृद्धि संपन्नता दे, यही हमारा संदेश है। गुरु से बढ़कर कोई नहीं है, और मतलब ईश्वर भी जो है ना, ईश्वर और भगवान और गुरु खड़ा रहे तो पहले किसके पैर पड़ूं, तो पहले गुरु के पैर, ये तो आप लोग जानते हो। तो आप विश्वास के साथ बाबा पे विश्वास रखें, वही गुरु पूर्णिमा का एक्चुअली यह है कि गुरु ही सबसे श्रेष्ठ है। गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा का विशेष दिन रहता है, उस दिन आपने आपके चैनल द्वारा जो हमारे मंदिर में आज जो सेवाएँ दी उसके लिए मैं आपके बहुत बहुत आभारी हूँ, और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि आपका चैनल और प्रगति करे, दिनों दिन प्रगति करे, ये मेरी शुभकामना। और बाबा से भी यही मांगता हूँ कि आपके चैनल को बहुत अच्छी प्रगति मिले और नाम मिले, प्रतिष्ठा मिले, यही मैं बाबा से दुआ करता हूँ। सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संत ने सही मार्ग उनको दिखा।